बिग बॉस तेरह की एक्स कॉन्टेक्ट के घर में जल्द घुसेगी किलकारी, बनने वाली है माँ। बिग बॉस तेरह का अंत हो चुका है, लेकिन इस शो के बाद कई सेलिब्रिटी की लाइफ पटरी पर आ गई है। इन्हीं में से एक एक्स कॉन्टेक्ट है शेफाली जरीवाल। काटा लगा गाने से फेमस हुई शेफाली अचानक से गायब हो गई थी, लेकिन बिग बॉस के चलते काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से वो लाइमलाइट में आई। इनके बिग बॉस के घर के अंदर का सफ़र रोमांस से भरपूर रहा था। शो में इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। आसिम के साथ झगड़ों को लेकर वह आए दिन सुर्खियों में बनी रहती थी। वह अब घर से बाहर निकल गई हैं और अपने पति पराग त्यागी के साथ लाइफ एंजॉय कर रही हैं, और उन्होंने एक खुशखबरी में हमारे साथ शेयर की है। एक इंटरव्यू में सैफाली ने बताया कि वो माँ बनने वाली हैं। इतनी जल्दी कैसे, तो आपको बता दें सैफाली एक बेटी गोद लेना चाहती हैं। सैफाली ने कहा कि जब मैं 10-11 साल की थी तब मैंने गोद लेने का मतलब समझा था। मैं हमेशा से एक बच्चा गोद लेना चाहती थी। आपको बता दें पराग और सैफाली दोनों एक बेबी गर्ल गोद लेना चाहते हैं। प्रोसेस चल रही है और थोड़ा सा लंबा समय लग रहा है। बहुत सारा पेपर वर्क होता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जल्दी हो जाएगा। बात करें सैफाली जरीवाल की निजी जिंदगी की, तो पराग त्यागी के साथ उनकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। इससे पहले हरमीत सिंह की पत्नी थी, लेकिन फिर उनका तलाक हो चुका है और इसके बाद उन्होंने पराग से शादी कर ली है। इसके 10 साल बाद उन्होंने पराग से शादी की है। शादी के बाद पराग के साथ नच बलिए में भी नजर आ चुकी हैं।